अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ कैमरे पर। और भाई अभी है ना, हम अभी मछलियों को आटा खिला रहे हैं। और भाई ये तो बहुत गलत बात है, हम मछली को आटा खिला रहे हैं और परिंदे उठा के ले जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि परिंदा लेके चले गया। तो भाई परिंदे को खाना खिलाते खिलाते फिर मैं अपने दोस्त से तफरी करने लग गया कि भाई अगर तू इस पर गिरेगा पानी के अंदर तो तेरा क्या होगा। तो बोला यार मैं गिर के बताता हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, गिर जा। फिर मेरे दोस्त के मुंह से मेरे को गालियाँ सुनने को मिली। खैर भाई इस साल तो मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, तो भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह मैं अपनी बेगम को अगली बार लेके आऊँगा। यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट खड़े रहने के बाद फिर हम आगे की और निकल पड़े। फिर डायरेक्ट हम पहुँचे कैमाजी की दरगाह पे। वहाँ पे सलामी देने के बाद फिर हमने असर की नमाज़ पढ़ी, और असर की नमाज़ के बाद डायरेक्ट घर पे आए और घर पे आके अफ्तारी करी। अफ्तारी के बाद फौरन स्टॉल पे आ गया मैं और स्टॉल की तैयारी कर ली, मतलब अपने ईद एनवेलप्स को मैंने बिल्कुल तरतीब से रख दिया। मैं वीडियो बना ही रहा था इतने पर मेरा दोस्त आ गया और इसने मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया और अपनी मर्ज़ी से मेरी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी इसने। खैर भाई कोई मसला नहीं है यार, मैंने आप लोग को बोला था कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको बिल्कुल रेड टू रेड एनवेलप्स दूंगा, लेकिन कोई मेरे पास आया ही नहीं। बस एक दो सब्सक्राइबर आए मेरे पास और एनवेलप्स लेके गए, और वो मेरे से बहुत ज़्यादा खुश हो गए और मैं भी उनसे खुश हुआ। और जो मेरा दोस्त आया था तो उसको मैं अपना स्टॉल सौंप के मेरे अब्बू के साथ मैं निकल गया शॉपिंग पर। भाई मेरे अब्बू ने बोला भाई इस बार आपने स्टॉल लगाया है तो अपने तो ईद की शॉपिंग करना ही भूल गए हो। तो मेरे अब्बू ने बोला चलो मैं आपके साथ इस दफ़ा आता हूँ और आपकी हेल्प करता हूँ थोड़ी शॉपिंग में। तो मैंने भी अपने अब्बू को बोल दिया सो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आप आ सकते हैं। तो मैं अपने अब्बू के साथ निकल गया थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, और मैंने यहाँ पे ईद कार्ड्स भी देखे गए, जो अच्छा लगे वो मैं ले लूँ अपने स्टॉल में सेल करने के लिए। लेकिन यार जितने का मैं सेल आउट करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा यहाँ की प्राइस थी, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ सदर मार्केट, और यहाँ पे आप रश देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा रश है, और यही मैं देखना चाहता था क्योंकि रमज़ान में मैंने पहले गया था मैं डॉलमेन मॉल, तो वहाँ पे बिल्कुल रश नहीं थी, तो मैं यही चाहता था कि इतनी रश हो। तो भाई अभी मैं अपनी शॉपिंग कर ली है। तो भाई मेरी शॉपिंग हो गई है और मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, और आज मेरी स्टॉल की सेल हुई है पूरे 2000 रुपये।